उसमें कहीं विपक्ष है क्या? ट्विटर का गेम सुशील कुमार मोदी और तेजस्वी प्रसाद यादव आपसी में नूरा कुश्ती का खेल खेलते हैं, बिहार की जनता मर रही है। अब आप देखे ना कि चाहे चमकी बुखार हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, सुखार हो, आपदा हो, या पटना का बाढ़ हो, या अभी कोरोना का काल हो, या चिकित्सीय अभाव में जो लोग दम तोड़ रहे हैं, जो कुव्यवस्था है, उसमें कहीं विपक्ष है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूँ अभिषेक मिश्रा। कृषि कानून यानी जो तीनों कृषि कानून है उसको लेकर अगर उसकी पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो उसको लेकर देश भर में आंदोलन चला है और खासकर दिल्ली और उसके आसपास के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं, अभी डटे हुए हैं। तो उन तीनों कृषि कानून को रद्द करने को लेकर जन अधिकार पार्टी ने आज काला दिवस मनाया है, साथ ही पप्पू यादव की रिहाई को लेकर भी एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश तिवारी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। धरने पर बैठे आप लोग कृषि कानून को लेकर, क्या है आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा जन अधिकार पार्टी का, पप्पू यादव की रिहाई को लेकर ज्यादा था या फिर कृषि कानून को लेकर था? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो किसान संयुक्त किसान संघर्ष समिति के द्वारा जो आज देशव्यापी काला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमारी पार्टी पूरे बिहार में बहुत ही आक्रामक तौर से और इस कानून से जो बहुत काला कानून है पूरे देशवासियों के लिए, किसानों के लिए, इसका मुखर होकर विरोध कर रही है। और संयुक्त किसान संघर्ष समिति का जब जब कोई भी निर्णय रहा या कोई भी आह्वान रहा है तो उसमें हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी के निर्देश पर पूरी की पूरी पार्टी बिहार समेत अन्य हिस्सों में पूरी सक्रियता के साथ विरोध की है, चाहे वह गवर्नमेंट की जो एंटी फार्मर्स लॉ हो या पॉलिसी हो एंटी फार्मर उसके खिलाफ। और आज दुर्भाग्य है कि बिहार में हमारे जनसेवक पप्पू यादव जी नहीं है, फिर भी जो किसानों के लिए उनकी अंदर जो पीड़ा है, जो उद्गार है, उस उद्गार के मद्देनजर हमारे पार्टी आज भी पूरी सक्रियता और पूरी ऊर्जा के साथ काला दिवस मना रही है। देशव्यापी काला दिवस में हम लोग भी कहीं से पीछे नहीं है और इस काला दिवस के साथ साथ हमारी जो आंदोलन पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जो चल रहा है पप्पू यादव जी की रिहाई को लेकर, वह भी चल रहा है। और आज हमारा जो मांग है कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए और साथ ही साथ पप्पू यादव जी के बिना शर्त रिहाई किया जाए, क्योंकि सरकार जो है बहुत गलत मंशा से उनको जेल गलत मंशा के कारण उनको जेल भेजने का काम किया है, जिससे बिहार के लोगों में आक्रोश है। और हम लोग भी अपने संविधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन करते हुए। और मैं समझता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो लगातार 6 महीना से देश के किसान गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और तानाशाही रवैया अख्तियार की हुई है भारत सरकार। तो मैं समझता हूं कि देश के किसान ही इस देश के अन्नदाता और भगवान है। अगर भगवान पर ही आप पीड़ा डालने का प्रयास करेंगे, कष्ट देने का प्रयास करेंगे, तो देश के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और किसान इस देश का ही। रजनीश जी, एक राजनीतिक सवाल भी है, ये तो आंदोलन की बात हो गई, ये विशुद्ध राजनीतिक सवाल है। कल हमारी बात हो रही थी, इंटरव्यू हो रहा था श्याम रजक के साथ, आरजेडी के बड़े नेता हैं और आप जानते हैं आरजेडी पप्पू यादव के साथ मजबूती से नहीं खड़ी है जिस तरह से खड़ी होनी चाहिए या फिर जिस तरह से आप लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन श्याम रजक ने जो कहा है उससे यह साफ है कि श्याम रजक कम से कम अब तक पप्पू यादव के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, पप्पू यादव की व्यक्तिगत राजनीति अलग है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जाकर ये दिखाया कि देखिए एम्बुलेंस यहाँ धूल फांक रहा है, तो ये जनता का मामला है और जनता के मामले पर हम साथ खड़े हैं। पप्पू यादव चोर हैं, पप्पू यादव डकैत हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें राजीव प्रताप रूडी ने कही, उसको लेकर भी श्याम रजक ने अपनी आपत्ति जताई। तो कम से कम आरजेडी का एक बड़ा नेता आपके साथ खड़ा है, आरजेडी के विधायक कुर्नी से हैं, उन्होंने तो समर्थन पप्पू यादव को दिया ही। देखिए, आपने पिछले बार भी हमसे आपसे चर्चा हो रही थी, तो श्याम रजक जी तो एक बार पूर्व में भी और कल भी शायद आपसे अगर बातों में उन्होंने कहा है, मैं उनकी बातों को स्वागत करता हूँ, सहमति उन्होंने जताई है इस विपदा के घड़ी में पप्पू यादव जी पर, उनकी गिरफ्तारी पर नाराजगी प्रकट की है, तो मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल उन्होंने सही बातें कही है और जन अधिकार पार्टी स्वागत करते हैं उनकी इस बयान का। लेकिन आपने देखा कि राजद के कई और नेता भी, चाहे वह एमएलए साहनी जी हो या और कई सारे नेता हैं,
शुरुआत के दिनों से ही पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी पर प्रश्न चिन्ह सरकार पर लगाया था, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार इस समय जो उनकी गिरफ्तारी हुई वह कहीं से भी सही नहीं है, और वैसे मामलों में जो पहले से ही सुलहनामा हाईकोर्ट में लंबित है तो कोई मामला ही नहीं बनता है, वैसे मामले में उन्हें एक साजिश के तहत भेजा गया है। चूंकि आप देख लीजिए कि अगर यही पप्पू यादव जी आज बाहर रहते तो जो सरकार की जो लगातार किरकिरी कर रहे थे या जो पोल खोल रहे थे व्यवस्था का, वह कहीं ना कहीं और सारे व्यवस्थाओं का पोल उजागर करते और भी जो खराब स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है उसको आप देश और दुनिया में ले जाने का काम करते। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए कि अगर पप्पू यादव जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य महकमे में गड़बड़ी है उसको उजागर कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो चाहे आप अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी का जो रानीगंज रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस कर रहा है जो 229 किलोमीटर मात्र चला है, और आज जो दुर्दशा है एम्बुलेंस की आप भयावह स्थिति है उसको देख नहीं सकते हैं। और वैसे ही मोतिहारी के सांसद, आप मोतिहारी में जाइएगा तो वहां के सांसद राधा मोहन सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं देश के, उनके निधि के द्वारा दिया गया एम्बुलेंस भी मोतिहारी सदर अस्पताल में धूल फांक रहा है और उसकी जो दुर्दशा है वह देखी नहीं जा रही है। तो एक तरफ जहां इलाज के अभाव में और एम्बुलेंस के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, वहां इन नेताओं के जो निधि फंड है जो जनता का गाड़ी कमाई का होता है वह दुरुपयोग हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा। तो हमें तो आक्रोश है ही, साथ में बिहार की जनता में भी है, लेकिन हम लोग कानूनी दावपेच में बने हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी जेल में, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी, आप देखिएगा अभिषेक जी, तो कहीं से कमजोर नहीं हुई है। हम लोग लगातार कमियां को उजागर कर रहे हैं और लगातार चाहे वो जी। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल हमारा यही है कि जाहिर तौर पर पप्पू यादव का कद बड़ा हुआ है बिहार की सियासत में, जिस भूमिका में वो कोरोना की पहली लहर में रहे हों, जलजमाव में रहे हों, हालांकि इसका राजनीतिक फायदा आपकी पार्टी को नहीं मिला ये जरूर है, और खासकर कोरोना की दूसरी लहर की बात करें उसमें उनकी भूमिका की बात करें, वो जो कर रहे थे और उसके बाद जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, तो पप्पू यादव के कद को इन घटनाक्रमों ने बड़ा किया है। क्या आप ये मानते हैं कि आरजेडी अगर खुलकर आपके साथ खड़ी नहीं है, इसकी एक वजह यह भी है कि पप्पू यादव के बढ़ते कद को लेकर चिंता है आरजेडी की, तेजस्वी यादव और लालू यादव की? क्या जन अधिकार पार्टी ऐसा समझती है, ऐसा मानती है? ये सबसे बड़ा बात है कि अब राजद क्या मानती है, किस बात का डर है और किस बात का भय सतारा, वो राजद का मामला है। हमारी लड़ाई तो वर्तमान सत्ता पक्ष की नाकामियों और जो केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी है या बिहार सरकार की जो लगातार जो कमियां है उसको उजागर कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बिहार की जनता को बेहतर चिकित्सीय लाभ दिलवाने की है, बेहतर सुविधा की है, विकास की है। अब इसमें राजद अपने आप को कहां प्रतिद्वंदी मानती है, अब तो राजद को समझना चाहिए। हम तो राजद को प्रतिद्वंदी मान नहीं रहे, और राजद को किस बात का फिक्र है? आदरणीय पप्पू यादव जी का यह कोई नया नहीं है, आप उठाकर देख लीजिए, शुरू से ही हम लोग लगातार मुंह कर रहे हैं। और जितनी जो विपक्ष का कर्तव्य है, विपक्ष तो उस कर्तव्य से विमुख हो चुका है, विपक्ष अपने कर्तव्यों से भाग रहा है, विपक्ष बिहार में है ही नहीं, समझिए विपक्ष मृत प्राय हो चुका है। और यही कारण है कि सरकार झुक नहीं रही। अगर विपक्ष 75 विधायक एक पार्टी का है और लगभग 112 विधायकों के एक विपक्ष का नेता, जो इतनी बड़ी शक्ति है उनके पास, जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकार को झुका नहीं रहे, वो सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं, वह कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, तो बताइए सरकार होना लाजमी है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने या फिर तेजस्वी यादव ने सरेंडर कर दिया है सरकार के सामने? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिहार की जनता, मैं कौन होता हूँ भला भैया, सूर्य को आईना कौन देखा है, वो अपने आप को सूर्य बुझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वह सूर्य है और हम दीप है, तो अब हमारा उनका तो कोई जोर नहीं है। अब आप देखिए ना कि चाहे चमकी बुखार हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, सुखार हो, आपदा हो, या पटना का बाढ़ हो, या अभी कोरोना का काल हो, या चिकित्सीय अभाव में जो लोग दम तोड़ रहे हैं, जो कुव्यवस्था है, उसमें कहीं विपक्ष है क्या? ट्विटर का गेम सुशील कुमार मोदी और तेजस्वी प्रसाद यादव आपसी में नूरा कुश्ती का खेल खेलते हैं। बिहार की जनता मर रही है ऑक्सीजन के अभाव में, रेमडेसिविर के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, बेड के अभाव में, तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की भी तो जिम्मेवारी बनती है ना, आखिर विपक्ष को ट्विटर बाजी करने के लिए तो विपक्ष नहीं होता है। आप हमको बताइए, जो संवैधानिक मूल है उस पर। रजनीश जी, बातचीत जाहिर तौर पर आपसे बात करेंगे तो कई सवाल है और पूरा इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन आज चूंकि हम जिस तरह से आप लोगों ने धरना दिया है, काला दिवस मनाया है,
कृषि कानून को लेकर उस पर अपनी बात फोकस रखना चाहते थे, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी का सवाल चाहे अनचाहे बीच में आ ही जाता है, और उनकी गिरफ्तारी को लेकर बिहार के राजनीति का जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रमों पर भी बातचीत हो जाती है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस वक्त जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों से भी हमारा आग्रह है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।